कमजोर और पीड़ित मनुष्य की मदद करना दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। ये शिक्षा हमें दुनिया के हर स्कूल, हर संस्कृति, हर सभ्यता, हर धर्म से मिलती है। लेकिन नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी के राज में किसी जरूरतमंद की मदद करना ना सिर्फ अपराध है, बल्कि इसके लिए आपको देशद्रोह तक के कानून का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल डॉक्टर कफील की तर्ज पर गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में 46 बच्चों की मौत की कसूरवार योगी सरकार ने मददगारों को ही मुजरिम बना दिया और उनके ऊपर देशद्रोह समेत कई गंभीर धाराएं लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया था। ताजा मामला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास केंद्र की मोदी सरकार के निशाने पर है। केंद्र सरकार के आदेश पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, विधायक मुकेश शर्मा और हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ एक जांच शुरू कर दी गई है कि ये लोग ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां और अस्पताल बेड का प्रबंध कैसे कर रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, बावजूद इसके कुछ दिन पहले भाजपा सांसद हंस राज हंस को कांग्रेस यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास से मदद मांगनी पड़ी और श्रीनिवास ने उन्हें मदद पहुंचाई, जिसको लेकर सोशल मीडिया में मोदी सरकार की अच्छी खासी फजीहत हुई थी। बाद में भाजपा सांसद हंस राज हंस ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे मदद अभियान की सराहना में खबर छापी। इससे चिढ़कर केंद्र सरकार अब कांग्रेस पार्टी द्वारा लोगों को दी जा रही सेवाओं को बाधित कर रही है। इससे पहले पिछले साल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा दिल्ली यूपी बॉर्डर पर फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए भेजी गई 300 बसों की सहायता को भी ठुकरा दिया गया था। अब मामला ये है कि न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने 2 मई रविवार सुबह करीब 9:15 बजे एक ट्वीट किया। इस ट्वीट को यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बी को टैग करते हुए एक ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद मांगी गई थी, जिस पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस यूथ टीम ने न्यूजीलैंड दूतावास में अविलंब ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया। तब न्यूजीलैंड दूतावास द्वारा भारत सरकार से मदद मांगने की बजाय विपक्षी पार्टी की यूथ विंग से मदद मांगने पर राहुल कंवल, उमाशंकर सिंह, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा समेत कई पत्रकारों ने सरकार की नाकामी और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए थे। आलोचना होते ही मोदी सरकार हरकत में आई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उच्चायोगों और दूतावासों में कोविड से जुड़ी मेडिकल आपूर्ति के लिए सोशल मीडिया पर लिखने को लेकर रविवार को कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद भारत स्थित न्यूजीलैंड उच्चायोग ने ट्वीट कर माफी मांगी। न्यूजीलैंड दूतावास ने ऑक्सीजन की मांग वाली पोस्ट डिलीट कर स्पष्टीकरण में एक ट्वीट किया था। न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने स्पष्टीकरण ट्वीट में लिखा, हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की तत्काल जरूरत के लिए सभी स्रोतों से व्यवस्था करने की अपील कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी अपील को गलत संदर्भ में लिया गया। इससे पहले फिलीपींस दूतावास भी भारतीय विदेश मंत्रालय के निशाने पर आ गया था। वहां भी यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचाया था। पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय ने 2 मई रविवार को एक प्रेस रिलीज जारी की और विदेश दूतावासों को सख्त संदेश दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, भारत स्थित उच्चायोगों और दूतावास में कोविड से जुड़ी मेडिकल आपूर्ति को लेकर चीफ प्रोटोकॉल और विभागीय प्रमुख हमेशा संपर्क में रहते हैं। इनमें अस्पतालों में इलाज की बात शामिल है। महामारी के हालात में सभी से अनुरोध है कि वे जरूरी मेडिकल आपूर्ति, जिसमें ऑक्सीजन भी शामिल है, उसे जमा ना करें। दरअसल दूतावासों में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम नरेश ने यूथ कांग्रेस की ओर से फिलीपींस के दूतावास में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का वीडियो रीट्वीट कर दिया। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर को टैग कर पूछा कि क्या भारत का विदेश मंत्रालय सो रहा है। इस विवाद पर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने खुद सामने आकर कहा कि उच्चायोग को मेडिकल मदद के लिए किसी और माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए था। वहीं पूरे मामले में न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रालय ने जारी अपने बयान में कहा कि उच्चायोग में कुछ स्थानीय स्टाफ कोविड से संक्रमित हो गए हैं और इनमें से एक की हालत ज़्यादा खराब थी, इसलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। ऐसी कुछ और खबरों के लिए NewsMX के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।